नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बात पछुआदून की करते हैं, जहां विकासनगर ब्लॉक में नव निर्वाचित प्रधानों ने अपनी आपसी सहमति से नरेंद्र सिंह तोमर को प्रधान संगठन का अध्यक्ष और जयदीप सिंह को प्रधान संगठन का सचिव निर्विरोध घोषित किया। वहीं सना पाशा, सफारत अली और संतोष को प्रधान संगठन का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही विकासनगर ब्लॉक में प्रधान संगठन का अध्यक्ष चुने जाने की बात चल रही थी। आज 15 दिसंबर को सभी नव निर्वाचित प्रधान सुबह से ही ब्लॉक में इकट्ठा होने लगे, जिसमें ग्राम प्रधान दो गुटों में बटे नजर आ रहे थे। एक गुट नरेंद्र तोमर को और दूसरा गुट जयदीप को प्रधान संगठन का अध्यक्ष बनते देखना चाहता था, लेकिन ब्लॉक परिसर में मौजूद प्रधान संगठन के पूर्व पदाधिकारियों ने गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास करते हुए सर्वसम्मति से संगठन के अध्यक्ष के लिए नरेंद्र तोमर और सचिव पद के लिए जयदीप सिंह को राजी कर निर्विरोध चुने जाने की घोषणा कर दी। पूर्व पदाधिकारियों ने कहा कि यदि संगठन के पदों के लिए चुनाव हो जाता तो सभी प्रधान दो गुटों में पूरे कार्यकाल के लिए बढ़ जाते, जिससे प्रधान संगठन अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए कमजोर पड़ जाता। इसीलिए सबको एक मंच पर लाने के लिए चुनाव ना कराते हुए प्रधान संगठन ने अपने सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव किया है। सभी ग्राम प्रधानों की रजामंदी से सभी के नामों की घोषणा कर दी है। निर्विरोध चुने गए प्रधान संगठन के अध्यक्ष और सचिव से उम्मीद जताई है कि भविष्य में ग्राम प्रधानों को आने वाली समस्याओं से जमकर लड़ेंगे और ग्राम प्रधानों के हितों की रक्षा भी करेंगे। ग्राम प्रधानों से गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों पर वसूली जाने वाली कमीशन खोरी को भी खत्म करने की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी, चाहे समस्या शासन प्रशासन स्तर की क्यों ना हो। जैसा कि आज ये विकासनगर ब्लॉक के जो है प्रधान संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये संगठन तो हर बार बनता है, इस बार पिछली बार तो चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपस में फाड़ हो जाएगा तो संगठन कमजोर होगा, और इसलिए सबने एकत्र होकर एक ही को नरेंद्र तोमर को अध्यक्ष और जयदीप को सचिव बनाया है। अच्छा, क्या मतलब क्या अपेक्षाएं हैं आप लोग इनसे? ये जैसे कि सरकार ने हमारे 29 विभाग हमें बोल रखा है कि 29 विभाग ग्राम सभाओं को हस्तांतरित कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई विभाग मेरे हिसाब से तो ग्राम सभा को हस्तांतरित नहीं है, और उसकी लड़ाई के लिए ये संगठन लड़े, वो अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकार ग्राम सभा में लाए और अपने विकास कार्य करें। आपको ये भी बता दें कि प्रधान संगठन के इस चुनाव में विकासनगर ब्लॉक में ज्यादातर प्रधानपति ही नजर आ रहे थे और आपसी रजामंदी और समझाने बुझाने के प्रयास भी प्रधानपतियों से ही किए जा रहे थे। खैर, सभी निर्विरोध चुने गए संगठन के पदाधिकारी काफी उत्साहित नजर आए। आप कहां से प्रधान है? मेरा नाम नरेंद्र तोमर है, मैं बदामवाला पंचायत से प्रधान हूँ। अच्छा, और जैसा कि आज आपको यहाँ पछुआदून प्रधान संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, उस बारे में आप बताएं। मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, जो मेरे साथी प्रधान हैं, कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे निर्विरोध अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया इन्होंने जताया है, और इनके और अपने सभी ग्राम पंचायतों के हक के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। कहीं पर भी शासन प्रशासन में या सरकार कहीं पर भी हमारे अगर प्रधानों के खिलाफ कोई भी ऐसी हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ पर लगभग जो है सभी प्रधान हमारे उपस्थित हैं, हो सकता है शायद एक या दो महिलाएं खुद नहीं आ पाई है, लेकिन और सभी महिलाएं जो है उपस्थित हैं, और अभी आज जो है लगभग 40 से 42 उपस्थित है, और अधिकांश महिलाएं थोड़ा 8 या 10 महिलाएं वो नहीं आ पाई है आज की बैठक में। अधिकतर प्रधानपति ही दिखाई दे रहे हैं? नहीं, प्रधानपति तो यहाँ पर जो है नहीं है। जो पूर्व में हमारे संगठन के जो पूर्व में हमारे संगठन के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं वो लोग उपस्थित हैं आज बैठक में, तो वो जो है प्रधानपति के रूप में नहीं, वो हमारे पूर्व में जो संगठन के कार्यकर्ता और रहे हैं, तो उससे हमने उन्हें बुलाया था। चुनाव जो है वर्तमान प्रधानों के द्वारा निर्विरोध चुना गया है आपको या प्रधानपति के द्वारा? ये वर्तमान में जितने प्रधान हमारे नियुक्त हुए हैं ग्राम पंचायतों से, सभी के आपसी सहमति से हम लोगों ने जो है आज ये नियुक्त किए हैं, और उसमें हमारे सचिव और अध्यक्ष पद पे जो है दोनों पद हमारे नियुक्त हुए। पछुआदून से राजीव खान की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।